ओए ओए दे दे दे, मिठाई ले ली हमने, ठीक है। हाँ देख मुंह देख, है वो फुल नशे में है, देखिए फुल नशे में दिख रहा है कि नहीं, है नशेबाजी। वो भी दो बज चुके हैं यार, और काफी खतरनाक वाली नींद आ रही है। और तो हे गाइस, सलाम नमस्ते, और कैसे हो आप लोग। तो गाइस स्वागत है आपका न्यू व्लॉग और अलबी व्लॉग चैनल में। सो गाइस फिर से आ गया आपका भाई एक न्यू व्लॉग के साथ। तो काफी मजा आने वाला है आज के व्लॉग में। और चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का व्लॉग गाइस, क्योंकि आज है हमारी खाला के घर पर खिचड़ा। ओह माय गॉड, वाओ। और कुछ ऐसा सीन है गाइस कि हम लोग जा रहे हैं, मतलब अभी टाइम हो रहा है कोई 4 बज रहे हैं, और हम लोग उनके घर जा रहे हैं, खाला के घर, और वो शमशाबाद में रहती हैं गाइस। सो मैं जा रहा हूँ अकेला शमशाबाद, और चाची के घर पे भी है तो वहाँ पर जा रही है मम्मी। तो ऐसे करके मतलब एक लोग मम्मी वहाँ जा रही है और मैं जा रहा हूँ खाला के घर पे गाइस। तो काफ़ी मज़ा आएगा ब्लॉग में। और मेरे साथ जा रही है बाजी, आरएस और भाई, मतलब तीनों लोग जा रहे हैं हम लोग गाड़ी से। तो मम्मी को भी लेकर जा रहे हैं मतलब गाड़ी से ही, और रास्ते में उनको छोड़ देंगे वहीं पे ही, मतलब मम्मी रास्ते में उतर जाएंगी क्योंकि चाची का घर पहले ही पड़ जाता है, तो मतलब वो वहीं पे उतर जाएंगी, ताजगंज निकलना है उनको। और हमें जाना है शमशाबाद गाइस, तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा जाने भी क्योंकि वो दूर पड़ता है। सो काफ़ी मज़ा आएगा ब्लॉग में गाइस, तो ब्लॉग को पूरा देखना। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मेरे न्यू ब्लॉग जो हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाए गाइस। सो काफ़ी मज़ा आएगा। तो अभी हम आरएस से मिलेंगे, अभी बिजली घर जा रहे हैं, मैं और मम्मी बिजली घर जाएंगे, फिर उसके बाद गाड़ी से भाई आ जाएंगे वहाँ पर, तो हमें पिक कर लेंगे। जलवा है हमारा, पिक करके फिर हम लोग निकल जाएंगे भाई। और आपका भाई भी रेडी हो गया और मम्मी भी रेडी हो गई है, तो निकलते गाइस और बिजली घर के लिए निकलते हैं, तो चलते गाइस। सो फाइनली गाइस हमारा बाबू हमें मिल चुका है, और अभी हम अपने बाबू से मिल चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं बाबू कहाँ पे, शमशाबाद जा रहे हैं। तो हमारा बाबू शमशाबाद जा रहा है, और ये देखिए ओए पीपी में मजा आ रहा है। सो अपनी नानी के साथ खेल रहा है यहाँ पर, देखिए बाबू। ओए चाली। अभी हम लोग शमशाबाद के लिए निकल चुके हैं और पहुंचते गए जल्दी से, और मम्मी को छोड़ देंगे ताजगंज, और उसके बाद फिर निकलेंगे शमशाबाद के लिए। आ जा बेटी। यही बात करने का कर रही हूँ, हिलाली मैं बताऊँ। हाँ कपड़े देखे तो नहीं हो रहे, बहुत अच्छे कपड़े हैं, एकदम सॉफ्ट रखे हैं, और साइज वैसा आ गया छोटा। 6 महीने के बच्चे थे नहीं। राजपुर चुंगी से थोड़ा ही आगे पहुंचे थे, और रोडों पे इस तरीके से पानी भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा पानी भरा हुआ है, ये देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और यहाँ तो और ज़्यादा बारिश हो रही है। हमारे आगरा में तो भी कम है, मतलब हमारे प्रकाश नगर में और हमारे उधर तो बहुत ही ज़्यादा कम थी, और यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा बारिश है, रोड भरे हुए हैं पानी से, अगर अनजान कोई होगा ना तो वो तो भाई घुस ही जाएगा पानी में। ये देखिए भाई बारिश बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर हमारा बाबू दूध पी रहा है, ये देखिए। ओए बाबू जल्दी पी ले। बारिश का बहुत ज्यादा मौसम है भाई, और खाला के यहाँ तो और ज्यादा पड़ रहा है पानी, खालन जो कह रही हमारे यहाँ तो इतना पड़ रहा है। कहाँ पे पड़ रहा है पानी, रोड भरे हुए हैं भाई, यहाँ पे हर बार ऐसे होता है रोडों पे पानी भर जाता है। बरसात का टाइम तो निकल गया वैसे कब का, पर बरसात नहीं जा रही,
और है नहीं है, और जन्माष्टमी पे होना चाहिए तो हो नहीं रही थी। हीलो लग रही है बाल काल के, तो हीलो लग रही है बाल काल के है? हाँ जितना पढ़ना है वह टिप 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 होती है जब दिमाग खराब होता है। बाबू दूध पी ले भाई जल्दी। तो वैसे अभी हम यहाँ पर रुके थे और यहाँ पर थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए लिया है भाई ने, तो अभी थोड़ा पंचर भी चेक कर, मतलब हवा भी चेक करा रहे हैं गाड़ी में, तो हवा चेक करवाने के बाद फिर निकलते हैं। और ये देखिए इसके लिए खाने के लिए भी आ गई है। बाबू ओए कहाँ गया, अप्पा आ गया खाने के लिए? हाँ कंजड़ के लिए खाने के लिए आ गया, तो भाई खुश हो गया है। वो देखिए बोनट पे रखा हुआ है ऊपर। सो अभी थोड़ी हवा चेक कराते फिर निकलते हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत दूर है हम शमशाबाद से, तो फिर उसके बाद मतलब इसके लिए खाने के लिए कुछ लेना था, इस चक्कर में हम रुके थे और ले लिया इसके लिए, थोड़ी नमकीन ले लिए, टॉफ़ी ले लिए हैं और जो भी कुछ लेना था तो ले लिया है, और फिर निकलते हैं और पहुंच के मिलते गाइस फिर। अभी हम पहुंच चुके हैं शमशाबाद और ये चौराहा शमशाबाद का, और यहाँ पर गांधी जी की भाई मूर्ति लगी है बहुत बड़ी, ये गांधी जी की मूर्ति लगी है। सो अभी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ लेना है हमें, फिर उसके बाद घर के लिए निकलेंगे भाई। तो यहाँ पर भाई को कुछ लेना है थोड़ा, उसके बाद ही निकलेंगे। क्या लेना है, क्या लेना है? मिठाई लेने जा रहे हैं। चलूँ मैं, चलूँ चलूँ? चलो चलते भाई मिठाई लेने के लिए। शमशाबाद चौराहे से ही हमने ली थी मिठाई, तो यहाँ पर देखिए भाई मिठाई ले रहे हैं गाइस। तो ये कोने पर ही हलवाई अंकल मिल गए थे, तो उनसे हमने मिठाई ले ली गाइस। और ये है शमशाबाद चौराहा, ये 2 अक्टूबर को गांधी जी की मूर्ति लगी थी गाइस, तो निकल ये आगे कहने पर ही तो कराइए सब कुछ। तो अभी हम मिठाई लेकर आ गए और मिठाई लेकर फिर निकल लिए घर के लिए भाई। तो अभी बस पहुंच जाएंगे थोड़ी ही दूर पे और पहुंच जाएंगे। बाबू ओए ओए दे 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 मिठाई ले ली हमने ठीक है। हाँ देख मुंह, देख इसका मुंह, आई 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 पहुंच गए। हाँ सामान निकालना है ना। ओए आ जा बाहर, ले तू लाला ले ले ना, हां चल अब नहीं चलना घर पे, चलो तो चलते गए अभी अंदर गली में। घर है भाई तो खाला का, तो घर पे जा रहे हैं अभी, तो खाला के घर चलते हैं। तो गए हम 7 बजे के टाइम पे और अपने खाला के घर पहुंच गए थे और सब कुछ हो गया, मतलब खिचड़ा विचड़ा चढ़ाने भी रख दिया भाई। तो मतलब मुझे आने के बाद कोई टाइम नहीं मिला क्योंकि काफ़ी काम करे मैंने उनके साथ मिल के, बूढ़ा भैया के साथ मिल के काफ़ी काम कर रहे थे, तो इसलिए टाइम नहीं मिला गए। तो मैं आप लोगों को बता नहीं पाया कि मतलब हम लोग पहुँच चुके हैं। तो मतलब ऐसे हम लोग वहाँ से उतरे थे ना, तो मैंने लास्ट वाली क्लिप तो बना ली थी, फिर मैं घर पर आया तो मैंने दिखाया नहीं सब कुछ। तो अभी मैं दिखाऊंगा कि मतलब सब कुछ छड़ा दिया है, खिचड़ा छड़ा दिया है, देगे रख दिए हैं, सब कुछ हो गया है। और गए सभी मतलब काफ़ी रात हो गई है, करीब 10 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा यार एक क्लिप बना लेता हूँ। सो मैंने इस लाइट में, यहाँ पर देखिए लाइट जल रही है, ये लाइट जल रही है भाई, रोड वाली लाइट होती है ना वो जल रही है, तो उसमें मैंने ये वीडियो शूट कर लिए। तो अभी पहुंच चुके हैं और भी जो भी चीज़ें आगे होंगी तो वो सब कुछ दिखाएंगे गाइस ब्लॉग में, तो ब्लॉग पूरा देखना और तो मज़ा आएगा भाई ब्लॉग में। सो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मेरे न्यू ब्लॉग जो हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा गाइस। तो दिखाते हैं आगे और भी कुछ आपको। वो 10:30 बजे के टाइम पे और हमारा राजा भी आ चुका है, और भाई इसने कॉल की थी रास्ते में तो भूरा भैया इसको लेने गए थे, तो भाई अभी अभी आया, वो फुल नशे में है। देखिए फुल नशे में दिख रहा है कि नहीं, मतलब बंदा नींद में पूरे दिन मतलब काम किया है भाई, बहुत ज़्यादा थक गया लौंडा, तो इस चक्कर में उसे अभी ऐसा लग रहा है मतलब सो जाऊँ अब। तो अभी थोड़ी बहुत देर में देखते हैं कहीं व्यवस्था देखते हैं सोने की, तो थोड़ा सोएंगे फिर उसके बाद सुबह के टाइम उठेंगे, जिस टाइम घोटा मतलब घोटेंगे उस टाइम उठेंगे। तो देखिए कैसे नशे में है, मैं दिखाता हूँ देखिए है। नशेबाज़ है,
दोनों देगन चूल्हे पर चढ़ा दी थी गैस, और राजा और मैंने सारे सामान है ना दो दो कर डाला, गेहूं चावल डाले सारी, मतलब सब कुछ सामान हमने दो दो कर डाल दिया। तो बाहर बैठे खालू भूरा भैया सोहेल सब लोग, वो अभी दो बज चुके हैं यार और काफी खतरनाक वाली नींद आ रही है और आंखों में देखो भाई नींद भरी हुई है बहुत ही खतरनाक वाली, और दो बज गए भाई अब तो, मतलब अब बिल्कुल नहीं सोऊंगा क्योंकि अब सो गया तो सीधा भाई सुबह उठ नहीं पाऊंगा फिर मैं जल्दी, तो इसलिए मैं सो ही नहीं रहा यार। और अभी घुटाई चालू कर दिया हम लोगों ने, तो मैं नीचे जाके दिखाता हूँ गाइस कि घुटाई चालू कर दिया और घोटे डाल दिए, तो अब सुबह तक घुटाई होगी फिर उसके बाद बनकर तैयार हो जाएगा। तो अभी गाइस अभी थोड़ी देर पहले ही चालू करी है और दो बज गए भाई, मैं बिल्कुल नहीं सोया और मेरे साथ राजा भी नहीं सोया और एक खाला का लड़का है बड़ी खाला का लड़का, तो वो भी नहीं सोया गाइस, तो और भूरा भैया भी नहीं सोए, तो हम लोग सोए नहीं हैं। तो अब वैसे सोएंगे नहीं क्योंकि मैं सो गया तो फिर मैं खो ही जाऊंगा और सुबह उठ भी नहीं पाऊंगा जल्दी, तो फिर मुझे घर भी जाना है गाइस। सो अभी है ना उठाई उठाई करवाते हैं फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको कैसे उठाई करते हैं और कैसे सब लोग घोंट रहे हैं, तो चलते गाइस नीचे। उठाई कुछ इस तरीके से होती है, पल्ली वाली देखो राजा घोंट रहा था और इस वाली देखो भाई मैं घोंट रहा था, इस देखो मैं घोंट रहा था, तो सारी देख से खिचड़ा बाहर फैल जाता है थोड़ा बहुत घोंटते में गाइस, क्योंकि वो उछटता है भाई थोड़ा बहुत, मतलब इधर उधर हो जाता है। अभी भूरा भैया भी घोंट रहे थे वो अभी, अभी हम लोग ऐसे ही टहलने के लिए आ गए थे मतलब खेतों की तरफ, और हमारी खाला के घर के पीछे काफी खेत है बहुत सारे खेत है, तो वहाँ पे ही हम थोड़ा घूमने के लिए आ गए थे, और यहाँ पर हमारे आरिस और राजा भी है, तो हम लोग भी आए गाइस यहाँ पर देख, मतलब ऐसे ही घूमने के लिए आए थे। तो यहाँ का व्यू देखिए गाइस काफ़ी शानदार व्यू है भाई, चारों तरफ मतलब हरियाली है और बहुत ज़्यादा खेती होती है यहाँ पे, पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी अब तो बस्ती की बस्ती बन गई भाई बहुत ही ज़्यादा, मतलब जगह गिर गई है बहुत ही ज़्यादा। सो मतलब पहले यहाँ पर ना खरंजे थे ना ये रोड थे बहुत ही कुछ भी नहीं था गाइस, और अभी खिचड़ा वैसे तैयार हो गया, सब कुछ तैयार हो गया, घुटाई उटाई भी कंप्लीट हो गई है और बस थोड़ा फांता वाता लगेगी, फांता के बाद फिर हम लोगों को मतलब खाना पीना होगा और उसके बाद हम भी निकल जाएंगे घर के लिए, जल्दी निकलेंगे भाई क्योंकि बहुत ही पूरी रात सोए नहीं है, तो रात में जगे हैं तो फिर भाई घर जाकर सोऊंगा। तो अभी हम लोग निकल जाएंगे, हम लोग साथ ही निकलेंगे, राजा भी हमारे साथ ही निकलेगा, तो जल्दी फिर खाना पीना होता है फिर हम लोग भी खा पी के और ले के भाई फरार होते घर के लिए। तो व्यू देखिए भाई कैसा व्यू है यहाँ पर, अच्छा व्यू है भाई देखिए, मतलब मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है, और कल से कल पूरा दिन बारिश हुई है और आज तो खैर बारिश अभी नहीं हुई है सुबह से, तो आज देखना बारिश भी होगी शायद, हो सकती है बारिश क्योंकि मौसम ऐसा ही है, तो बारिश होगी और अच्छा हो जाता है ऐसा व्यू, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है भाई बारिश के बाद ऐसे मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है। सो चलते गाइस फिर वहीं पे खाला के घर पे, और काफ़ी देर के आए हैं हम लोग यहाँ पे, अब चलते हैं वहाँ पे और अपने देखेंगे उनके लोग आएंगे उनको खिलाएंगे गली मोहल्ले के जो भी आएंगे, उनके बाद फिर हम लोग भी खाएंगे और फिर निकल लेंगे घर के लिए गाइस। तो चलते हैं सबको खिला करके छड़ा, खुद खा करके छड़ा, हम लोग निकल चुके हैं भाई घर के लिए, और मेरी शक्ल पर बज रहे हैं 12, क्योंकि कल से घर से आए हूँ जब से मैंने अपनी शक्ल नहीं धोई है, तो भाई इस तरीके से 12 बज चुके हैं, और आगे बैठी है बाजी और भाई गाड़ी चला रहे हैं, और बीच में बैठा है राजा और उस साइड बैठा भाई सोहेल, तो सोहेल मेरे साथ रामबाग जाएगा और ये जाएगा बाजी के संग, मतलब राजा बाजी के संग घर तक जाएगा, वो खेरिया मोड़ छोड़ देंगी तो वहां पर उतर जाएगा। भाई मौसम कैसा हो रहा है भाई, टिप टिप हो रही है, मौसम तो काफी गजब हो रहा है, मतलब ऐसा मौसम भाई बहुत ही ज्यादा मस्त लगता है भाई, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे, मस्त मौसम। और कैसे हो भाई लोग, और सुबह 10 बजे के टाइम पे मैं घर पर आ चुका था, मतलब हम लोग काफी जल्दी निकल गए थे खा पी के, और उनके बस्ती के जो लोग आए थे उन सबको खिला पिला के और हम लोग जल्दी निकल गए थे, और मैं बाजी के साथ ही गया था, बाजी और भाई और मैं हम लोग गए थे, तो हम लोग ही साथ आ रहे थे, और दो लोग उधर से बढ़ गए थे गाइस, राजा और एक सोहेल हमारी बड़ी खाला का लड़का, तो ये लोग भी हमारे साथ ही आए थे गाइस। सो भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, पूरी रात जगे, रात जगने के बाद भाई इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि मुझे तो गाड़ी में भी नींद आ रही थी, और फिर मैं घर पर आया तो घर पर भाई हम लोग 10 बजे आ गए थे, 10 बजे के बाद आपका भाई सोता रहा, मतलब कुछ भी नहीं किया भाई मैंने, ना नहाया ना धोया कुछ भी नहीं करा, बस सोता रहा भाई। फिर मैं अभी उठा थोड़ी देर पहले, फिर मैंने कि चलो ब्लॉग को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं भाई, तो ब्लॉग में वो मैं फिर ऊपर आया, फिर मैंने थोड़ा ब्लॉग कंटिन्यू किया गाइस, और ना मैंने मैच भी नहीं देखा भाई, आज संडे के दिन और इंडिया पाकिस्तान का मैच है भाई, एशिया कप है भाई, तो बहुत ही धमाल मचने वाला है उस मैच
मैच का, तो इस मैंने तो बिल्कुल भी नहीं देखा। 3 बजे स्टार्ट हो गया था भाई, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं देखा। और गाइस अभी देखूंगा कि क्या होता है, क्या पता चलता है, देखेंगे गाइस कि क्या हो रहा है मैच में, अभी तो मैंने देखा भी नहीं है। सो भाई बहुत ही जानदार और शानदार मैच होने वाला है। और बारिश ना हो तो गाइस, 2 सितंबर को हुआ था तो बारिश की वजह से रद्द हो गया था भाई, तो बारिश ना हुई तो आज जो भी डिसाइड होना वो हो जाएगा गाइस कि इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान। तो देखते हैं गाइस कौन सी टीम जीतती है, और भाई पता नहीं है अभी तो कुछ भी। सो भाई मैं घर पर आ गया, मतलब घर पर आया तो बहुत थक गया था, ऐसे ही सो गया भाई मैं बिल्कुल। तो अभी मैं नहाने जाऊंगा और देखता हूँ कौन सी नमाज मिलती है, पर नमाज भी पढ़ने जाऊंगा गाइस। तो आज के ब्लॉग को भाई यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सो गाइस जल्दी ही एक और न्यू ब्लॉग के साथ आपसे मिलने आएंगे गाइस। सो भाई जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मेरे न्यू ब्लॉग जो हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाए गाइस। तो यार प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब तो कर ही लिया करो ताकि आप लोग मतलब हमें हिम्मत मिले नए नए कंटेंट बनाने की गाइस। तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब कर लिया करो और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।